हैंडी छोरा गौतम देखने वाले सारे दर्शकों ने खानपुर पीजीआई में जो है बड़ा सामना करना पड़ा आप छात्र एंडी छोरा गौतम देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई सुनील गौतम मनाना की राम राम। हरियाणवी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे गुट्ठा टेक। और फिलहाल भाई हम पहुंच गए हैं जो मौके के विधायक है संभाल काल के धर्म सिंह छोकर जी उनके ऑफिस पर हम पहुंच गए हैं। और ऑफिस पर आए हैं तो एक बार कैमरामैन से कहूंगा भाई मेरे साथ साथ आ जा। तो आप देख सको हो भाई छोकर साहब जो है अभी मीटिंग में व्यस्त हैं और दो चार सवाल करेंगे उनसे, दो चार सवाल जो आप करके देखेंगे भाई आजकल जो समाज काम है जो है छोकर साहब ने जो पूरा डूंडा ठा रखा है समाज सेवा के कार्यों का। तो भाई मौके के विधायक जो धर्म सिंह छोकर जी हैं हम उनके पास फिलहाल पहुंच गए हैं। और छोकर साहब ने जो है समाज सेवा में जो है आजकल डूंडा ठा रखा है, पहले इनकी जो है दस बारह साल से जो है खानपुर पीजीआई में जो है बस लगा रखी थी वो तो लगातार चल ही रही है, वो तो पुराना मुद्दा हो चुका है। लेकिन फिलहाल सुनने में आया है कि दो बस और जो है छात्राओं के लिए जो है छोकर साहब ने बहुत अच्छा विचार करके जो है दो बस और लगाई है। तो उन चार बसें और लगाई हैं भाई, वो समालका जो है बस स्टैंड से लेके और पानीपत बस स्टैंड तक जो है बस चलाई गई है। फिलहाल वो किस कारण से बस चलाई गई है छोकर साहब से पूछेंगे। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार। ये जो बसें चलाई सर ये मतलब क्या सोचकर आपने लगाई है, क्या मतलब क्या दिक्कत आ रही थी छात्रों को? देखिए दिक्कतों का बड़ा सामना करना पड़ा अब छात्राओं को। मैं एक दिन जा रहा था तो समालका बस स्टैंड पर, तो मैं निकल रहा था तो एक दो तीन लड़कियां बस के पीछे भाग रही थी और एक लड़की पड़गी भागती भूगती बस के पीछे, तो उसके पैरों में बड़ी काफी चोट आई। हमने उठा के फिर उपचार कराया और मुझे बुरा अजीब लगा। हमारी यार सरकार ये कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो बेटियों का क्या हालात हो रहे हैं उनको मद्देनजर रखते हुए मैंने ये फैसला लिया अपने परिवार में बात करके। हमारे एक अपना ट्रस्ट चलिए मेरे पिताजी के नाम से चौधरी पंठी राम जी के, मेरे भाई इंदर सिंह छोकर जी के नाम से ट्रस्ट बनाया हुआ है। और हमने फैसला लिया क्यों न इन बच्चों की सेवाएं के लिए, बच्चों की सुविधा के लिए हम क्यों न बस चलाएं। तो हमने चार दिन पहले, क्योंकि एक दूसरे में शहर थी लड़कियों को, पहली बात बस रुकती नहीं यहाँ, रुक भी जाती है तो वो नया बस स्टैंड अंदर से निकल के बाहर सेवा आ गया है। और सेवा जैसे लड़कियां उतर के जाती हैं तो लड़कियों को फिर यहाँ से शिवा अड्डे पे वहां से टेम्पो में बैठ जाना पड़ता है, बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मुझको इस समस्या को मद्देनजर रखते हुए फैसला लिया हमारे ट्रस्ट के नाम दो बसें सुबह समालका से पानीपत कन्याओं के लिए, क्योंकि 100-150-200 लड़की यहाँ से जाती है 100-150। तो हमने एक में कहा दो बसों का प्रावधान किया गया और डेली सुबह 7:30-8 बजे लेके बच्चों में जाती है और 3 बजे कॉलेज में से वापस लेके अपने घर आती है। इस तरह पर ही हमने, जैसे मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में समालका में कॉलेज नहीं है तो सुविधा की गई, पानीपत बच्चे जाते थे, बापोली मैंने कॉलेज खुलवा दिया, वहाँ आवश्यकता नहीं है। जहाँ आवश्यकता है मैंने राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं सेवा की, मैंने सामाजिक सेवा के लिए कन्याओं को उनकी सुविधा को देखते हुए ये हमने फैसला लागू किया है। और जैसे राणा माजरा से गढ़ी बेसक और गढ़ी बेसक से पत्थरगढ़ नवादा और सनोली कला जाम्बा, सनोली खुर्द जाम्बा और धनसोली कुराड़ को होती, छाजपुर को होती, पानीपत बस पहुंचेगी, वहाँ कॉलेज की व्यवस्था नहीं है। बच्चों को तो बड़ी दिक्कत का सामना, लड़की बार भी पढ़ के अपना घर बैठ जाती। जैसे बापोली में जब मैं पिछली बार सरकार बनी कॉलेज बापोली में कॉलेज नहीं था, मैंने बनवाया था, 12वीं पास कर लड़कियां घर बैठ जाती थी। अब हर घर घर में बापोली ब्लॉक में लड़की BA MA क्लास पढ़ के उनके अच्छे रोजगार इसके संबंध है, अच्छे घर में शादियां होती हैं। तो उसी तर्ज पर मैं दो बसें राणा माजरा से मैंने पानीपत की वाया सनोली खुर्द शुरू की हैं। और इससे पहले 3 बसें मैंने शुरू की 2014 से खानपुर पीजीआई गरीबों के लिए, जो वो लेके गरीबों को लेकर वो सुबह 7 बजे चलती है यहाँ से और गांव को सारे हल्का कवर करती, गांव-गांव से आती है वो सीधा खानपुर पहुंचती है। एक रक्सेड़ा साइड से चलती है सुबह और एक चलती है राणा माजरा, तो सारा हल्का कवर हो जाता है। इससे वो जो गरीब हैं उनकी OPD 5 रुपए OPD जाती है, वहाँ टेस्ट कर आराम से जाती है, आराम गरीब आदमी यहाँ वह नहीं कर सकता प्राइवेट हॉस्पिटल में खर्चा, तो इसलिए उनकी वो तो 10 साल से चल रही है। एक लड़कियों की नारायणा से समालका तक ये भी सेवा 10 साल से चल रही है। मेरा कहने का मतलब ये है जो आजकल के जो हमारे स्थानीय नेता है जो अपने चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनकी एक ना अपना एक अपनी स्वार्थ की राजनीति है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता बट ये 6-6 महीने के पहले मौसमी आ जाते हैं तो लोगों ने पत्रकारों ने भी कहा भी बस टेम्परेरी 6 महीने लिए चलेंगी या सदा। मैं मौसमी नेता नहीं हूँ, मैं मौसमी सेवक नहीं हूँ, मैं तो सदा बाहर हूँ, जो मैं सर्विस शुरू करूंगा हमेशा लागू रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जैसे अभी आप लोगों ने देखा है फिलहाल हम एक चीज और एक बड़ा सवाल है जो जनता का हमारे सामने आया है भाई, आप हरियाणा के क्या मेरे ख्याल से देश के ही ऐसे पहले
एमएलए हो गए जो ईडी की रेड में जो है क्लीन चिट लेके बाहर आए हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे सर? देखिए, सत्यमेव जयते, सच्चाई की जीत होती है। ठीक है, पार्टी के हिसाब से, राजनीति के हिसाब से, विपक्ष का विधायक होने के नाते मेरी लोकप्रियता को देखते हुए ये फैसला लिया सरकार ने, उससे मैं कोई घबराने वाला नहीं हूँ। मैं झुक नहीं सकता, टूट सकता हूँ। जनता की दुआएं मेरे साथ है, जनता की दुआएं से मैं बिल्कुल साफ सुथरा निकल के हाई कोर्ट का मैंने दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट से मुझे पूरी न्याय की उम्मीद थी और मुझे न्याय मिला। जब मेरे गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए तो एक माननीय उस न्यायालय ने सटे दिया गया, सत्य में जाते। अगर मैं गलत होता तो मुझे सजा जरूर मिलती। मैं सच्चा था और सच्चाई की जीत हुई है, और सच्चाई की जीत हुई तो मैं कोर्ट से मेरे को रिलीफ मिला है। मैं न्याय के मंदिर का स्वागत करता हूं। और जहां तक बात इन लोगों की है जो जैसे और नेताओं के पीछे इन्होंने हथकंडा अपना हुआ, अरे मैदान में राजनीति करनी है तो मैदान में आगे करो, किसी पीठ में छुरा घोंपने से राजनीति नहीं होती, सफलता नहीं मिलती। हरियाणा में कांग्रेस की आंधी है, एक तरफा कांग्रेस की लहर है, हरियाणा में कांग्रेस सरकार बने जा रही, समय सबका आता है। आज अच्छा वक्त है, बुरा भी है, छाया है, आज छाया यहाँ है तो कल वहां है। ये जो गलत फहमी रहते हैं, इनको गलत फहमी से शिकार हो गई, इनको ये कामयाब अपने आप ही खुद ही अपने कर्मों से जो कुछ सीढ़ी खड़ा होता तो खुद पढ़ने का काम होता है, खुद पढ़ता उसमें। अब जैसे डेली कार्यकर्ताओं की मीटिंग हो रही है सर, तो क्या कुछ हरियाणा में मतलब अपने हल्के में करने की सोच रहे हो आप? देखिए, मैंने कार्यकर्ता विकास के बारे में, बिल्कुल आपकी बात क्वेश्चन सही है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। बट जो नेता विधायक बनता है वो विकास के लिए और रोजगार के लिए उपलब्ध कराने के लिए नेता बनते हैं। मेरे 914 हमारी कांग्रेस की सरकार रही, चाहे बापोली में गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे गोल्डी नांगल वाला, बिलासपुर वाला पुलिस तीन रोड का पुल बनवाया, CHC, ITI, हॉस्पिटल, पावर हाउस, स्टेडियम, जितने भी सड़कें, बोरब्रिज, ROB, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, जो जो मैंने कराए हैं वो आप लोगों के सामने हैं। 9 से 14 मैंने इतने काम किए, 75 सड़कें बनवाई, 14 पावर हाउस बनवाए, बापली कॉलेज बनवाया, ITI बनवाई, सिविल हॉस्पिटल बनवाया, 100 बेड अस्पताल संभाल के बनवा, नारायण में CSE बनवाई, चुलकाने में ITI बनवाई, इस स्कूल 12वीं गए कि सड़कें मैं बनवाने लग जाऊँ तो आपको काफी समय लग जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज मेरे कार्यकर्ता से कहा, भाई सपेट देखो, इसमें कोई कहने की बात नहीं, सब लोकतंत्र है, सबका चुनाव लड़ने का अधिकार है। बट मैं ये कहता हूँ हमारे कार्यकर्ता का, मैं कॉम्प्लेंट छिपाऊंगा, जो 9 से 14 हमारी सरकार थी, जितने कार्य हुए हैं, 2100 लड़कों को नौकरी रोजगार के अवसर प्रदान हुए, 21 बच्चे को नौकरी लगी है, और डेवलपमेंट विकास कार्य, गाँव की फिरनिया, जो भी अति कार्य हुए हैं, उनसे जो स्थानीय नेता कहते हैं चुनाव लड़ने का सबको लोकतंत्र सबका हक है, लेकिन जो मैं कहना चाहूंगा, जो काम चोर है, काम कराने का पता ही नहीं है, काम कैसे, कोई मटेरियल नहीं है एमएलए का, कोई पर्सनालिटी नहीं है, काम करने का तरीका ही नहीं है, तो हल्के के साथ धोखा होगा, आपने सोच समझ कर वोट डालना होगा। और मैं धन्यवाद करना चाहूँ जनता का, पिछले में 37,000 में विधायक बना, 37,000 वोट मिली थी, और 2000 में दोबारा विधायक बना तो मुझे 86,000 वोट मिली। अब के लोगों ने संकल्प लिया, अब की भगवान ने चार परमात्मा से ठीक ठाक रहा तो 1.25 लाख वोटों से यहाँ संभाल कर जीतेंगे, और हरियाणा में कांग्रेस की लहर है, हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनेगी, और मुझे पूरी उम्मीद है हाईकमान पर मुझे अच्छी जिम्मेवारी मिलेगी, और जैसी जिम्मेवारी मिलेगी मैं जनता की सेवा करूंगा। कोई एक जैसे पूर्व विधायक थे सर, आपसे पहले जो विधायक थे, उनका भी कहना है भाई 100 बेड का जो अस्पताल है वो तो मैंने बनवाया है, तो इस बारे में क्या कहना चाहूंगा? पूर्व विधायक नाम तो बताओ कौन? रविंद्र मछरौली। रविंद्र मछरौली, देखो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, ये जब विधायक बने उस टाइम तो बिल्डिंग तैयार कर उद्घाटन हो चुका था, चलो अंडर कस्टम कहता है, मान ले जो मैंने पुल बनवाया, अब उद्घाटन बनवा मैंने बनवा, उद्घाटन हरियाणा के मुख्यमंत्री करेंगे, ये तो बात कहने की होती, करने वाला कौन था, नींव रखने वाला होता, करने वाला कौन था, तो बात अलग है। बट उससे ये पूछ लीजिए, अकबर ये जो कॉलेज की हॉस्टल की बात करता है, जब ये 2014 में तो इसका उद्घाटन भी हो चुका था, इसका ये बिल्डिंग बनकर 100 बेड का हॉस्टल तैयार भी हो चुका था। अब उसका कहना था केंद्रीय विद्यालय बाद में बिहोली में लेकर आया, किवाने में लेकर आता, हमारी सरकार थी और मैं किवाने में केंद्रीय विद्यालय लेकर आता हूँ, किसी कारण से भट्ठे की जमीन थी वो फिजिबिलिटी नहीं थी, इस करके उन्होंने फैसला किया केंद्रीय विद्यालय दिल्ली से, उन्होंने फिर वो जगह नहीं मिली, कहना बिहोली में जगह सब उपलब्ध है, अधिकारी मुझे बताया, जब मैं विधायक नहीं था उस टाइम, तो मैंने 2009 से 14 में मंजूर कराया, पहले डोरपुर में कराया था, फिर कुआने में कराया था, अलर्ट हो गया था कुआने में, जब साइड इंस्पेक्शन के लिए आई टीम आई दिल्ली से, तो कहना बिहोली मेरा गाँव, मैं भी चाहता मैं सब जातियों बराबर लिखता, चाहे गुजर हो, चाहे जाट हो, ब्राह्मण हो,
तो हम जैसे बापोली में कॉलेज बना, मेरी इच्छा थी एक बेहोली जाट बरादरी गांव में भी केंद्रीय विद्यालय हो, तो अब वो झूठे झूठे वो लेना चाहता, वाई वाई लेना चाहता। मैंने एक गांव के भैंस भी बिहोली गांव में, परसों की बात है, वो कह रहे थे ये है वो जैसे आप कह रहे मैंने बनवाया। मैं कहता भाई परमिंदर मिश्रोली अगर ये बता दे केंद्रीय विद्यालय दफ्तर दिल्ली में कहाँ है, अब मुझे भी मान जाएगा बनवाना, जब उसे ये नहीं पता फिर दिल्ली का दफ्तर कहाँ है और बनाने का, तो बहुत दूर की बात। सारे डीओ लाइट चिट्ठियां मेरी लगी हुई है, मैंने बनवाया, मैं झूठी वाई लुटा हरदम में। तो इसके अलावा और क्या जीते मेरे काम है, गणवा दे 14-19 की तक के काम करे उन्होंने, एक काम बता दो। दूसरे हमारे नेता हैं, दूसरे भी दो बार चुनाव लड़े बीजेपी से, सरकार आई एक चिड़िया लगाई हो, कोई एक पुलिया बनवाई हो, एक स्कूल बार में तक रहा, मैंने तो 27 स्कूल बार में कराए, कॉलेज बनाए, अस्पताल बनाए, सीएससी बनाए, स्टेडियम बनाए, पार्क बनाए, देश भर के 103 करोड़ का पुल बनवा, आने वाले समय कलम मंडी बैठा था। लोग कह रहे देखो ये पुल है जो, मैं तो हम रहे ना रहे आने वाली पीढ़ी याद करेंगी। संभाल का जो है कर मंडियों में, मंडी में दुकानों के रेट बढ़ गए, क्यों जमीनों रेट बढ़ गए, बिलासपुर में 40 लाख में किला लेता, पुल बनते 2.5 करोड़ किला होगा, टेट ले जाए 3 करोड़ किले हो गए, हाईवे बन गया। आने वाला समय जो होगा इम्पोर्ट, अभी गुड़ मंडी हिंदुस्तान में सबसे मशहूर मंडी, आप देखना इतना गुड़ का इम्पोर्ट हो गया यूपी से, आप सोच भी नहीं सकते। तो आने वाला समय बहुत बड़ा होगा। पानीपत क्यों बढ़ी है, सोनोली पुल की वजह से, संभाल का दिल्ली का बच्चा होगा और आने वाली जनता इसको याद करेगी। कौन बनाएगा, धन्यवाद सर हमारे चैनल पर आने के लिए आपका। भाई ये थे हमारे साथ जो अभी मौके के विधायक हैं धर्म सिंह छोकर जी, और अब जो है इन्हीं तस्वीरों के साथ हम आपसे विदा लेंगे। इस वीडियो ने लाइक कर दियो जरूर, शेयर का तार दियो फतूर ताकि वीडियो पहुंच जाए दूर दूर, और भाई कमेंट में ये और बता दियो जो विधायक जी ने जो काम बताए हैं वो वाकई में आप लोगों के सहमी हुए हैं कि नहीं हुए हैं। धन्यवाद।